हेलो गाइस, आपके पास जीके में बट आपके पास एक अच्छा सा कॉन्फिग फाइल नहीं है जिससे आप अच्छे क्वालिटी की फ़ोटोग्राफी जो है उसे आप नहीं कर पा रहे हो। तो भाई मेरे पास एक कॉन्फिग फाइल था, इसको इंस्टॉल करके बहुत अच्छे क्वालिटी की फ़ोटोग्राफी मैंने कर डाला। तुम्हारे भाई का एक पिक्चर जो है मैंने उठाया, तो भाई यहाँ पे ब्लर जो है बहुत ही ऑसम आया एंड साथ ही साथ कलर क्वालिटी जो है बहुत ही अच्छा आया। तो भाई जीके में क्या होता है कि कलर इतना ज़्यादा अच्छा नहीं आता जिसकी वजह से हमें थोड़ा बेकार सा लगता है, बट जीके एम का क्वालिटी जो है हाई रहता है। तो कॉन्फिग फाइल काम जो करता है आपका यहाँ पे कलर और उसके बाद आपका जहाँ पे क्लियरिटी और उसके बाद ब्लर जो है अच्छे से वर्क कर जाता है। तो भाई आपको जीके एम सर्च करना है आपकी क्रोम ब्राउज़र में जाके, या आपके पास कोई जो भी ब्राउज़र होगा उसमें जाके आपको सर्च करना है एंड उसके बाद आपको जीके एम हब वाले लिंक पर आ जाना है। एंड अगर आप लोगों को यहाँ पे कॉन्फिग फाइल का जो लिंक है अगर आपको चाहिए तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूँगा, बट आपके स्मार्टफोन का नाम भी आपको साथ ही साथ बता देना। तो भाई बेसिकली आपके पास दो ही वर्षन होता है, एक होता है BSG का और दूसरा है अदर वर्षन, जो आपको भी डाउनलोड कर लेते हो। तो BSG एक बहुत ही अच्छा वर्षन है जो सभी के मोबाइल पे अच्छे से सपोर्ट भी होता है एंड कोई भी आपको यहाँ पे क्रैश या जो यहाँ पे नोट सपोर्ट इस तरह का प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलता। तो BSG में आपको लेटेस्ट वर्षन सब कुछ आपको मिल जाता है। तो आपको BSG पे आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको करना है 8.1। आप देख सकते हो यहाँ पे 8.1 A9 का मैं यहाँ पे ले रहा हूँ क्योंकि सभी के मोबाइल पे कॉन्फिग फाइल जो है अच्छे से वर्क करना चाहिए। तो आपको इसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको क्या करना है, आपके यहाँ पे कॉन्फिग फाइल जो है नीचे ऑप्शन दिया जाता है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे इस तरह आ जाना है एंड यहाँ पे आपको स्मार्टफोन का नेम आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पे सेम स्मार्टफोन नहीं होता है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ सजेशन दे देता हूँ कि आपको किस तरह डाउनलोड करना है। तो आपको क्या करना है, 1+60 या 60 Pro जो है इसका कॉन्फिग फाइल आपको ले लेना है क्योंकि इससे आप बहुत अच्छे क्वालिटी की फोटोग्राफी कर सकते हो एंड अच्छे से सभी की स्मार्टफोन पर सपोर्ट भी हो जाएगा एंड अच्छे से वर्क भी करेगा आई थिंक, ठीक है। अगर नहीं होता आपका तो 1+3T या जो 3 का है उससे आप ले सकते हो, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपको करना OP666 जो यहाँ पे T है इसे आपको डाउनलोड कर लेना है। तो भाई देख सकते हो यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं एंड अगर आपके पास दूसरा वर्षन है जैसे कि NG का है, LMC का या कुछ अदर वर्षन है आपके पास, तो आपको क्या करना है, आपको करना है MNG, ठीक है। NG का जो वर्षन है इसमें आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद आपको करना है यहाँ पे आप 8.2 में क्लिक करना है एंड यहाँ पे कोई भी आप यहाँ पे कॉन्फिग फाइल एक ले सकते हो एंड उसे आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नॉर्मली जो GCam का रहता है, जो GCam का यहाँ पे गूगल कैमरा का जो है पिक्सल 2L या 3A का है, तो मैं उसका ले लूँगा। अगर आप मेरे पास सेम स्मार्टफोन होगा तो उसका मैं डाउनलोड कर लूँगा, अगर मेरे पास नहीं होगा तो मैं गूगल कैमरा का जो है पे उसे डाउनलोड कर लूँगा। तो इस तरह से यूज़ करके आप बहुत अच्छे क्वालिटी का फोटोग्राफी फोटोग्राफी कर सकते हो कॉन्फिग फाइल सेट करके। एंड अगर आपको कॉन्फिग फाइल सेट करना नहीं आता तो आप एक काम करो, मेरे चैनल के GCam वाले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, उस वीडियो को वॉच करके आपका जो है कॉन्फिग फाइल उसे सेट कर सकते हो।